बिग बॉस एक ऐसा शो है जो अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है और बस दूर है दो दिन अपने ग्रैंड फिनाले से। कहा जाता है कि बिग बॉस दो चीजों से चलता है, एक है बिग बॉस की आवाज और दूसरा है हमारे होस्ट सलमान खान। बिग बॉस फिनाले में पहुंची शिल्पा शिंदे ने काफी लोगों का दिल जीता और अपने नाम काफी सारे वोट्स भी बटोरे। ज्यादातर शिल्पा को लोगों ने ऑलरेडी विनर भी घोषित कर दिया है, लेकिन एज पर रिपोर्ट सलमान खान की मदर सलमा खान शिल्पा की बहुत बड़ी फैन है और वो दिल से चाहती है कि बिग बॉस 11 की ट्रॉफी शिल्पा शिंदे के घर ही जाए। सलमान को कई बार कहा गया है कि वो शिल्पा की तरफदारी करते हैं, जो शायद कभी कभार लोगों को पसंद नहीं आती। सुनने में आया है कि सलमान की फैमिली की फेवरेट शिल्पा शिंदे को जल्द ही मिल सकता है टिकट टू बॉलीवुड। जी हाँ, भाभी जी से फेमस हुई शिल्पा बिग बॉस के बाद बॉलीवुड में दिख सकती है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शिल्पा शिंदे को बॉलीवुड में अपना फर्स्ट ब्रेक कब मिलेगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आ गया है और बस दूर है दो दिन अपने ग्रैंड फिनाले से। कहा जाता है कि बिग बॉस दो चीजों से चलता है, एक है बिग बॉस की आवाज और दूसरा है हमारे होस्ट सलमान खान। बिग बॉस फिनाले में पहुंची शिल्पा शिंदे ने काफी लोगों का दिल जीता और अपने नाम काफी सारे वोट्स भी बटोरे। ज्यादातर शिल्पा को लोगों ने ऑलरेडी विनर भी घोषित कर दिया है, लेकिन एज पर रिपोर्ट सलमान खान की मदर सलमा खान शिल्पा की बहुत बड़ी फैन है और वो दिल से चाहती है कि बिग बॉस 11 की ट्रॉफी शिल्पा शिंदे के घर ही जाए। सलमान को कई बार कहा गया है कि वो शिल्पा की तरफदारी करते हैं, जो शायद कभी कभार लोगों को पसंद नहीं आती। सुनने में आया है कि सलमान की फैमिली की फेवरेट शिल्पा शिंदे को जल्द ही मिल सकता है टिकट टू बॉलीवुड। जी हाँ, भाभी जी से फेमस हुई शिल्पा बिग बॉस के बाद बॉलीवुड में दिख सकती है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शिल्पा शिंदे को बॉलीवुड में अपना फर्स्ट ब्रेक कब मिलेगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।